पंजाब वर्सेस दिल्ली के महामुकाबले के दौरान दिल्ली की बहुत बड़ी जीत हुई, जिसका फायदा उन्हें पॉइंट्स टेबल में मिला। चौथे नंबर पर टीम आ चुकी है, लेकिन जितेश शर्मा ने जो बल्लेबाजी करी थी दिल्ली के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी और उनसे दिल्ली दूर जाती नजर आ रही थी। लेकिन जब जितेश शर्मा का विकेट चटकाया शार्दुल ठाकुर ने, तो दिल्ली के फैंस ने भी गहरी लंबी सांस ली होगी कि चलो दिल्ली जीत गई। लेकिन जितेश शर्मा की पारी की यहाँ तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से इस युवा खिलाड़ी ने दोस्तों अपने बल्ले से रन बरसाए, काबिले तारीफ भरी बल्लेबाजी थी। 20 लाख के बेस प्राइस पर दोस्तों दिल्ली यहाँ पर पंजाब किंग्स ने जितेश शर्मा को खरीदा था। बेहतरीन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें विकेट कीपिंग भी करते हैं, साथ ही साथ 20 लाख का प्राइस ज़्यादा कितना ही होता है ये कन्फर्म है कि अगले सीजन यही प्राइस 4, 5, 6, 7 गुना, 8 गुना भी हो जाए ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। करोड़ों में ये खिलाड़ी बिकने वाला है या पंजाब किंग्स ने करोड़ों में खरीदेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 159 का लक्ष्य रखा था 7 विकेट के नुकसान पर। शाम का समय, मैच अच्छा, माहौल अच्छा था, चेज हो सकता था 160 रन, चेज हुए भी हैं दोस्तों। जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा था, जहां मिचेल मार्श ने 48 गेंदों पर 63 रन की पारी 4 चौके 3 छक्के की मदद से खेली थी, तो सरफराज खान ने 16 गेंदों पर 32 रन की पारी 5 चौके 1 छक्के की मदद से, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 20 गेंदों पर 17 रन बनाए थे। ललित यादव ने 21 गेंदों पर 24 रन बनाए थे। लेकिन लियाम लिविंगस्टन ने जो 3 विकेट चटकाई थी और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाई थी, उससे दिल्ली की टीम को बांधे रखा था, वरना एक समय पर स्कोर 180 या 200 लग रहा था। लेकिन पंजाब किंग्स चेज करने उतरी, इनके ओपनिंग बल्लेबाजों ने सिर्फ 38 रन की साझेदारी दी, उसके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाया। जो फॉल ऑफ विकेट था कुछ ऐसा था कि जहां 38 रन पर पहला विकेट, तो 53 पर दूसरा, 54 पर तीसरा, 55 पर चौथा, 61 रन पर पांचवा विकेट और 67 रन पर छठा विकेट गिरा, फिर 82 रन पर सातवां विकेट गिरा। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों जितेश शर्मा टिके हुए थे, जो नंबर 5 पर या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। जितेश शर्मा ने अपने बल्ले से पूरी तरीके से कमाल दिखाते हुए रन बरसाने शुरू करे और पावर हिटिंग शॉट्स भी लगा रहे थे जितेश शर्मा। 34 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली 3 चौके 2 छक्के के साथ मिलकर, और आपको बता दें कि जितेश शर्मा ने राहुल चहर के साथ भी पार्टनरशिप करी थी। 82 रन पर जहां ऋषि धवन का विकेट गिरा था, तो 123 रन पर 8वां विकेट आया था। जितेश शर्मा एक समय पर लग रहा था कि मैच निकाल कर दे देंगे, क्योंकि चौके छक्के ये बहुत अच्छे मार रहे थे। लेकिन 34 गेंदों पर 44 रन खेले इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के थे, 129 का इस बीच स्ट्राइक रेट था और शार्दुल ठाकुर ने इनका विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 36 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए, तो दूसरी तरफ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को भी 2-2 विकेट मिला। दिल्ली अपनी गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला डिफेंड करने में कामयाब रही और 17 रन से यह मुकाबला जीत गई। जितेश शर्मा की तारीफ में फैंस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और खुद प्रीति जिंटा ने खड़े होकर इनके लिए ताली बजाई थी, क्योंकि ये खिलाड़ी लड़ता नजर आया था। अब पंजाब का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल है, अगला मैच जीत जाते हैं तो शायद नहीं, क्योंकि दिल्ली को भी अगला मैच हारना पड़ेगा। दिल्ली और बेंगलोर दोनों को अगला मैच हारना पड़ेगा, तभी पंजाब अगला मैच जीतकर आगे बढ़ सकते हैं अपने नेट रन रेट के साथ। तो इस मुकाबले में दिल्ली की जीत हुई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के